चैट हो गया हाय हाय जी नहीं अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अनन्या आयुष बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप यस सर एंड मेरे ऑफलाइन बच्चे समीर दृष्टि अनिका देविना प्रज्वल एंड रिहान खुराना बाकी तीन जने एब्सेंट है आज कबीर एब्सेंट है और भाई, भाई बहन ट्विंस वाले भी एब्सेंट है हां हाँ गुहान भी सॉफ्ट कॉल नहीं वो प्रियंका मैम अपने आप करेंगे चलिए बेटा मैंने लास्ट क्लास में टेस्ट लिया था जिसका रिजल्ट आपको मिल चुका है एक बार उसी टेस्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि उस टेस्ट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं और ये टेस्ट बेस्ड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट राइट आयुष खन्ना जी अनन्या तो बेटा ऐसे चैप्टर चैप्टर रिकैप मिलेगा ना भी देखती जा तू नहीं लिखना क्यों नहीं है तो, one, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन टाइप ऑफ एसेट कम फर्स्ट इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी आपको यह पता है कि हमारी बैलेंस शीट जो मार्शल रूल के हिसाब से बनती है नहीं बनती बेटा दो तरह से बनती है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी राइट तो परमानेंस वाले क्या कहते हैं परमानेंस वाले कहते हैं कि जो एसेट परमानेंट नेचर की है यानी कि जो फिक्स एसेट है वो पहले लिखनी चाहिए और उस, उस एसेट को क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट्स कहते हैं तो यहां पर आंसर क्या आएगा नहीं बेटा इंटेंजिबल तो उसके अंडर में होती है ना समीर इंटेंजिबल तो उसके अंडर में होती है मेन क्या होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में तो ग्रुप में डिवाइड किया गया था बेटा वो तो उसके पार्ट है ना नॉन करंट एसेट्स के समीर यस और नो अनन्या आयुष खन्ना आयुष खन्ना बट अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास से बाहर चला जा बेटा अगर कैमरा ऑन नहीं करना है तो एक मिनट तो कितनी टाइम पहले ही हो चुका यार आइए दूसरा देखो अन कमीशन मेंशन इन इन विच अन इनकम कमीशन यानी कि जो कमीशन आपकी नहीं है जो कमीशन आपकी अन कमीशन वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है ये आपको कहां पर दिखानी होती है हां अन कमीशन मतलब मिल गई है पर वो इस साल की नहीं है तभी तो अन हुई बेटा जैसे मान लीजिए आप ट्वेल्थ की फीस अगर हमें दे देते हैं तो हमारी अन इनकम हुई कि नहीं हुई यस तो ये कहां आएगी शोन इन हा जी शोनिंदर लाइब्रिटी साइड हाँ लाइब्रेटी साइड लिख दो या लाइब्रेटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दो बात तो लाइब्रिटी साइड तो लिखना पड़ेगा बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही लाइब्रिटी साइड ऑफ अनन्या समझ आ गया बेटा आयुष खुराना थर्ड क्वेश्चन इज ग्रॉस प्रॉफिट नाइनटी थाउजेंड एडवर्टाइजमेंट पंद्रह हजार सैलरी दो लाख ऑफिस एक्सपेंसिस चालीस हजार इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन पच्चीस हजार अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको लास्ट क्लास लास में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर काम किया था बेटा अब समीर यहां पर ऑपरेटिंग आपको क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है या ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में आप खाली इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग को लेंगे ही नहीं चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा आयुष खन्ना यस और नो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है अनन्या अनिका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस ने कोर बिजनेस से कमाया है और जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें आपकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आती है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सपेंस वाली भी हो सकती है और इनकम वाली भी हो सकती है पर अगर हम ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है प्रिंसि रिवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम योर प्रिंसिपल एक्टिविटी जिसका मेन काम है अब हमारा काम है टीचिंग करने का तो टीचिंग से जो हमारे को अब ट्यूशन फीस मिलती है दैट इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारे को खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट बचेगा अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यस सर आयुष खन्ना जी पेन के टिक टिक मत करिए बेटा बैठे-बैठे yes. ये एक मूवी थी साउथ इंडियन जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बनता है जिसमें वो टिक 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 करता yes, रहता ध्रुवा यस yes. समीर ने ده कितनी जल्दी पहचाना ध्रुवा और तू देख रही है अनन्या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है कुछ बच्चा हरकत करता तो मेरे को पिक्चर से कैसे को रिलेट करके बताया था और समीर ने फटाफट आंसर दिया था ध्रुवा आइए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है हम ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या क्या माइनस करूंगा बेटा नाइन लाख में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा बेटा समीर यस और नो अब ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है एडवर्टीजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस पंद्रह हजार सैलरी माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस टू लैख ऑफिस एक्सपेंसिस इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस चालीस हजार अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नॉन ऑपरेटिंग होता है इसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो बताइए मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया सिक्स फोर्टी फाइव थाउजेंड आंसर कितना आ गया अन्य आंसर इज सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड कोई डाउट बताओ इसमें पक्का आयुष खन्ना जी hmm? आइए आगे चलिए द नेट सेल एट लैख जीपी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो ना निकाल सकते हैं, आप ये बताइए अनन्या फाइंड आउट करोगे आयुष खन्ना करके दिखाओ जरा तो 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 ये ऐसे टेन लाख कैसे हो जाएगी बेटा आप इधर देख हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी। अब आपको सेल आपको दे दे रखी है है लाख रुपए रखा बेटा पे इसको एक्स बाई फोर तो जो एक्स की वैल्यू आएगी तो वो कॉस्ट ऑफ गुड शोल्ड आएगी कि नहीं आएगी कितना आ रहा है बेटा अनन्या हाँ, लाख का, का क्यों निकाल रहे हो कॉस्ट पे है यार हद तुम सेल पे थोड़ी ना दे रखा है क्या लिखा है आप अगर आठ लाख का दो लाख निकालोगे वो तो सेल पे निकाल रहे हो आप दृष्टि ये क्या लिखा है वर्ड और कॉस्ट तो तुझे पता ही नहीं है, पता नहीं है, तो, नहीं है। तो उसको एक्स मान करो ना बेटा कॉपी पे करो करो कॉपी पे पहला लिखो दूसरा लिखो गलत है ये अभी भी नहीं बेटा एट लैक है यार तुम कैलकुलेशन भी यार कर रहे हो दे 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 दे। ये आएगा एक्स की वैल्यू चेक करो अनिका बेटा अभी तो ये एलेवेंथ है ट्वेल्थ में जब तीन किताबें हो जाएंगी पेपर तो चलते रहेंगे और बेटा पंद्रह दिन की छुट्टी का मैं बैकअप कैसे पूरा करूंगा मुझे बताओ आप दो हफ्ते की क्लास का मतलब जानते हो आप विंटर ब्रेक किस बात की यार ये कोई स्कूल थोड़ी ना है यहां तुम्हारे को दिमाग विंटर ब्रेक समर ब्रेक है फिर कहोगे जी वो हाँ चल तू काम कर यार जल्दी लिख जल्दी लिख चाचा हाँ बोल हाँ तो हाँ बैकअप बाहर जाओगे तो अलग बात है बट प्रोवाइडेड अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है और मेरे लिए वहां की स्पेशल चॉकलेट लेके आएगा तो उसको बैकअप मिल जाएगा एक्स्ट्रा पेन। एक्स्ट्रा। पेन। मेरे पास नहीं है आज। एक्स्ट्रा पेन दे दो तो कोई। आप कौन सी क्लास का टेस्ट दे रहे हो ट्वेल्थ का? टेंथ का। हैं क्या कह रहे हो आयुष खन्ना? इन्हीं बैठे हुए तो वहाँ की चॉकलेट ले। क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा निकल गया निकल गया अनन्या। अरे होता है अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ समीर इफ द वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑन सेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल व्हाट इज अब यही वाला फार्मूला दोबारा लगा दें हम यही वाला फार्मूला दोबारा लगा दूं बेटा सीओ जी एस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी अब यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दे रखा है एक लाख बीस हजार नेट सेल हमें पता नहीं है और जीपी जो है इसके किसके ऊपर है आप दृष्टि सेल के ऊपर तो ये क्या हो गया एक्स वाई फाइव निकाल के बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें ये बारा एक लाख बीस हजार बेटा धृती वो चेक करो एक है। तो एक्स एक्स किसको माना था आपने और हमें निकालना क्या है सेल्स तो आंसर नहीं आ गया एक लाख पचास हजार सेल ही तो निकालनी है और अगर जीपी निकालना होता तो थर्टी थाउजेंड होता अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाता तो उसका वन फाइव से डिवाइड करते तो थर्टी आ जाता डेढ़ लाख सेल्स आ रही है ना अगर जीपी निकालना होता तो थर्टी थाउजेंड हो जाता नहीं हो जाता समीर समझ आ रहा है फोर्थ का मैंने मिटा दिया ना यहां लिख रहा हूं मैं ओके okay. अनन्या बेटा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हो क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लियो वीडियो सारी की सारी है तेरे को लगना पड़ेगा नहीं नहीं मैं तो क्लास लूंगा बेटा सैटरडे का पेपर आप नहीं आओगे तब भी क्लास तो होगी होगी और सैटरडे को तो वैसे भी टेस्ट है विध दस मिनट का मैंने आपको वेब वो भेजी तो थी सीरीज टेस्ट सीरीज सबके पास है यार वो आप जैसे मर्जी कर रहे अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं okay. नहीं हो सकता आ जाऊं तो मैं मैं पेपर में में, मैं, में में टेस्ट लेने बता मेरा क्या रोल है यार क्या पूछना होता पेपर जो बनाया होता है बेटा वो पहले पूरा का पूरा पढ़ के टाइप किया जाता है मैं खुद टाइप करता हूं तो एरर होने के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो जीरो है क्या पूछना होता टेस्ट में मुझे बता कल को बोर्ड का पेपर आएगा तो जिस बोर्ड एग्जामिनर ने पेपर बनाया उसको बोलेगा सर डाउट है ऐसा भी तो सकता कि एक की दो ऑप्शन हो तो आयुष समझ आ गया अनिका समझ आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन नंबर छह देखो

आप ये देखो आपको जीपी ये बताना ये ट्रू है फॉल्स तो है आप पहले जीपी क्या निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड निकालोगे आपको फार्मूला क्या पता है कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड सेल्स माइनस जीपी आपको निकालना क्या कि जीपी सत्तर हजार है नहीं है अगर ये आ गया तो ट्रू है अगर नहीं आया तो फॉल्स है फार्ण। देख तो ले यार ऐसी फॉल्स है बेटा ऐसे मत करो यार फॉर्मर लिखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डार्ड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना था सिक्सटी थाउजेंड नेट परचेजेस कितनी थी एक लाख चालीस हजार डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे आपके मैन्युफैक्चरिंग में चालीस हजार माइनस क्लोजिंग स्टॉक साठ हजार साठ से साठ कट गया वन लाख एट्टी थाउजेंड आपका सी जी एस आ गया कि नहीं आ गया वन लाख एट्टी थाउजेंड सी जी एस आ गया अनन्या अब फार्मूला क्या होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ वुड सोल्ड इज इक्वल टू जीपी आपका कितना था सेल कितनी थी आपकी यहां पर दो पचास में से कितने गए कितने आ गए सत्तर तो क्या हो गया ये हाँ ट्रू हो गया ट्रू ट्रू आ गया कि नहीं आ गया सीओजीएस नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और तीसरा होता है सीओजीएस इज इक्वल टू Net sale plus gross loss. और चौथा होता है अब समीर जी वो वीडियो आपको दे दी है, उसमें देख लेना सब कुछ मिल जाएगा आपको ये प्लस का आ रहा है ना बेटा ऐसे हां जी आंसर आ गया नहीं आ गया आयुष खन्ना जी प्लीज तो बार बार के, के बारे में अगला क्वेश्चन देखो क्रेडिट सेल फॉर दर हंडेड टू फिफ्टी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एटी ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाख बारह हजार दवाल आप यहां पर क्या करेंगे आपको मैं हिंट देता हूं आप पहले टोटल सेल निकाल लीजिए राइट अनन्या आयुष खन्ना आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस जीपी जो यहां से सेल्स आती है वो टोटल सेल्स आती है आतिन आते ननया देवीना, और आपको पता टोटल सेल जो होती है वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों होती है और आपको क्रेडिट सेल आपको पता है अगर आपको टोटल सेल पता लग जाए उसके बाद अगर आप क्रेडिट सेल माइनस कर देंगे तो आपको कैश सेल पता लग जाएगी लग जाएगी okay. अनिका यस और नो देखो मैं एक बार फार्मूला दिखाता हूं इधर देखिए आपको ये पता है सीओजीएस इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता ये राइट right? अब आप अपनी इंफॉर्मेशन पढ़िए आपको क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल टू दे रखा है मैं यहां पर टू लिख दू नेट सेल मुझे नहीं पता दे रखी है नेट सेल कहां दी हुई है मुझे जीपी दे रखा है एक लाख बारह हजार तो यहां बताओ नेट सेल कितनी आ गई दो लाख अस्सी हजार बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा नन्या थ्री लैख ये टोटल सेल हो गई अब आपको एक फॉर्मूला ये भी पता है नेट सेल्स इज इक्वल टू नेट कैश सेल्स बेटा ये नोट करो आप ये नेट क्रेडिट सेल नेट सेल कितनी आ गई कैश सेल हमें निकालनी है क्रेडिट सेल कितनी थी तो आपकी नेट नेट कैश सेल कितनी आ गई मुझे बताओ लाख क्रेडिट सेल से एक टू फिफ्टी टू ये बताओ नेट कैश सेल कितनी आ गई समीर एक लाख और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्या उसने बोला कैंसिल वन फोर्टी तो क्या मतलब ट्रू हो गया कि नहीं हो गया अनन्या क्वेश्चन एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है मैं पेपर बनाऊंगा तो ऐसे ही जैसे मैंने बनाया ताकि आपको सारे के सारे इफ और बट पता लग जाए कॉपी करो बेटा अनन्या ये कॉपी करो पेपर आपके पास है ये लो में समीर ये वाला हो गया बेटा चैप्टर पूरा सिंगल एंट्री भी हो गया आ रहा है समझ में वहां पहली बार में आंसर आ जाते हैं बढ़िया बैड कैसे कराया है? <laughs> है मैंने नो क्लासेस तो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के ऊपर है और बीस क्लासेस With पे है। तो समझ लो घंटे की हो हो चुकी हैं महीने गए करते हुए और शुक्र मनाओ तुम्हारे पास बैकअप है

कैश purchases, purchases, yeah. closing क्रेडिट 20,000 रिटर्न आउटवर्ड क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड मोर देन द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड 130. चेक कर लेते हैं। <laughs> ये फायदा तो है अगर ना आते हो तो सारे ट्रू या फॉल्स कर दो तो, कम से कुछ तो सही मिलेगा तो दो नंबर तुझे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया नहीं मिल गया उसमें हा पहले चेक तो कर लें एक चीज बताओ आपको एडजस्टेड परचेज निकालनी है यस और नो अब देखो आपको मैंने समीर अभी दो मिनट पहले एक फार्मूला बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट बताया कि नहीं बताया तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कैश परचेज क्रेडिट परचेज ये मेरी टोटल परचेज हो गई कि नहीं हो गई और एडजस्टेड परचेज का एक फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डेट इज एडजस्टेड अडजस्टेड परचेजस्टिड परचेज का फार्मूला तू लिख ले बेटा समीर तूने लिखा नहीं हुआ एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू अनिका लिख ले बेटा ये एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक गलती नहीं करिए बेटा एक्चुअली बनिया हो गया तो ये मत बोल कि अकाउंट लेके गलती कर दी बनिया के तो डीएनए में होता है अकाउंट्स तोड़े ता। तोड़े ता। सर है। हाँ तभी तो, तो टॉपर बना हुआ है वो पचास और तीस टोटल परचेज कितनी है हाँ बेटा आयु आयुष समझ आ गया नेट परचेज मिल गई है तो नेट परचेज नहीं मिली अभी इसमें से नेट परचेज तब आती है जब हम इसमें रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न होती है तो आप इसमें से क्या करेंगे पांच हजार माइनस करेंगे यहां से तब जाके नेट परचेज आएगी कि नहीं आएगी नो देवीना अब आपको क्या दे रखा है अब आपको एक रिलेशन दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से बीस हजार ज्यादा है दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ और समीर ना ओपनिंग ये है ना? क्लोजिंग यस और नो? अनन्या वेरी वेरी गुड सम हमें यह बोला गया क्लोजिंग स्टॉक इज वास ट्वेंटी थाउजेंड मोर देन ना मुझे ओपनिंग पता ना क्लोजिंग पता है तो अब आप यह बताओ आप मैथ्स आपने टेंथ में पढ़ा अगर मैं ये कहूं किसका रिलेशन दिया अब ये बताओ मैं किसको एक्स मानूं ओपनिंग को एक्स मानूं या क्लोजिंग को एक्स मानूं सवाल को पढ़ो क्लोजिंग को देवी ना मैं ओपनिंग को एक्स मोर देन द ओपनिंग को, मानू? को मानूंगा मैं अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है जी। तो मैं क्या कहता हूं ओपनिंग स्टॉक बेटा ट्वेल्थ में बहुत काम आएगा एक्स तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया एक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड हो गया कि नहीं हो गया था कि नहीं तो पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई अब आयुष खन्ना जी ये बताओ ये आपके पास ये इनफो आपको एडजस्टेड परचेज निकालनी है अब ओपनिंग स्टॉक को आपने क्या लिखा एक्स और इसे क्या लिखा ब्रैकेट में स्टार्ट एक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड अब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो एक्स प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस एक्स माइनस बीस हजार तुम तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे अनन्या ये होगा है अभी बताओ एक्स x, x कट गया कि नहीं कट गया अभी एडजस्टेड परचेज कितनी आ गई आपकी पचपन हजार अनिका ये नोट कर ले फार्मूला अनन्या नोट कर बेटा ये आयुष खन्ना पार। पार। बेटा हम तो फिर अलग ही है ना हम इंसान जरा दूजे किस्म के है जितना होगा उतना करा दूंगा आप चले जाना बेटा मैं रिकॉर्डिंग तो करके दे डाल दूंगा ना आज हाँ जब तक तो ये पेपर नहीं खत्म हो जाएगा आप एक काम करो ना आप साढ़े पाँच आप, आप छह बजे का टाइम दे दो ना और नहीं तो मेरी क्लास है कोई और नहीं मेरी क्लास नहीं आज मैंने सुबेरे निपटा दिया उनको आप चले जाना जो जाना आप रिकॉर्डिंग देखना फिर बाद में साढ़े छः का टाइम दे साढ़े पांच का टाइम दे दो यार थर्टी का टाइम दे दो फाइव थर्टी तक पूरा हो जाएगा ये बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया अब ये बताओ आपको क्या बोला है उसने एडजस्टेड थर्टी तो ये क्या हो गया पौल्स पौल्स हो गया अब ये देखो हर अनन्या मैंने हर चीज पे क्वेश्चन कवर करा एडजस्टेड परचेज पे करा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे करा अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी पे लिया अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट नेट नेट उस पे आ आ गया गया कि नहीं हमें क्या निकालना है द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लॉस बोल रहा है तेरह हजार अब, अब कौन सी अप्रोच लेनी है नेट प्रॉफिट अप्रोच लेनी है समीर नो बेटा और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है अगर नेट प्रॉफिट लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम राइट अनन्या अनिका कर ले बेटा नोट अब आपको क्या दे रखा है बेटा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फिफ्टी फाइव थाउजेंड आपको नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं सेवेंटी एट सेवेंटी एट प्लस करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है थर्टीन नॉन ऑपरेटिंग इनकम टेन थाउजेंड चेक करो क्या आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है क्या ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है देविना मुझे पता ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है एक लाख बेटा नेट यहां तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वन लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड राइट अना जबकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था ऑपरेटिंग लॉस yes. तो ये फॉल्स हो गई कि नहीं हो गई अब ये बताओ अगर इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बताओ आई थिंक मेरे को इस चैप्टर से अब इससे ज्यादा टफ क्या आएगा अभी अभी तो आगे चलेगा कहानी hmm. आपको मैं कह रहा हूं अगर आप पेपर थे पहले मेरे दिए हुए टेस्ट भी कर लोगे ना तो भी लंका पे जीत हासिल कर लोगे तो आप <laughs> तो एक बात बोलू जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर ली वो पास तो हो जाएगा चौबीस नंबर की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेटेज अस्सी में से चौबीस नंबर की बेटे जाए तो 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 बेटा ये तो बहुत आयुष क्या, क्या, क्या रहा बेटा हम्म 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 एक्चुअली तूने तो वहां क्लासेज उसके बाद डिस्कंटिन्यू करी ना उसकी वजह से वो तो अदरवाइज सबसे आसान है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है टेंपरेचर कम बोरिंग में ये से से गए। वो तो नहीं है। एक्चुअली निकाल आपने कम से कम अठारह दिन हो गए आपने क्लासेज इन बीस दिन हो गए। बीच बीच में कोई फायदा थोड़ा ना होता है। अब आप कर 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 देखो देखो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा। चलू बेटा चलू आगे अब आ जाओ इन द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटी इन ए प्रॉपर ऑर्डर मार्शलिंग विच स्टेटमेंट इज अबाउट द अंडरलाइन द वर्ड बैलेंस शीट डेपरिशन ऑफ करंट ईयर गिवन इन एडजस्टमेंट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव प्रूडेंस प्रूडेंट कहते हैं डू लॉसेस डू नॉट एंटिसिपेट इनकम इसने मैं दो चीजें बनाकर दी एक तो क्लोजिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर और दूसरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम सीखे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये हमें किसने बना के दिया बेटा प्रूडेंस ने अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो कहां आएगा सिर्फ बैलेंस शीट में विथ टाइप ऑफ एक्सपेंसिव रिटर्न इन पी एंड एल इनडायरेक्ट मैथ मैं ये पेपर आपको बेटा इसका सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूं आपको एक जने को भेज देता हूं बाकी जने अपने शेयर कर लेना बेटा ये अबे तू सन्नी दे को देखना धर्मेंद्र क्या देख रहा है मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दी है एक को बाकी शेयर कर लेंगे ये आगे चलो ये हाँ 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 अच्छा। अब मैच द फॉलोइंग अब आप ये देखो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है तो क्या होता है जर्नल क्लासिफाई क्या होता है लेजर।, लेजर समराइजिंग क्या होता है और इंटरप्रिटेशन क्या होती है तो जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट का डी फिर कॉमा सेकंड का सी फिर कॉमा थर्ड का बी और फोर्थ का ए समझ आ गया नहीं आ गया अनन्या? आयुष खन्ना जी यस और नो मैथ द फॉलोइंग इफेक्ट ट्रांजेक्शन ऑन नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जर्नल डोनेशन आप पे करते हो प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाता है बैड रिकवर्ड आपका गेन होता है और ड्राइंग से आपकी प्रॉफिट पे कोई नहीं फर्क पड़ता कैपिटल माइनस हो जाती है क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसिस तो आंसर क्या बनेगा फर्स्ट का फर्स्ट का बी सेकेंड का सी थर्ड का ए समझ आ गया कि नहीं आ गया पता नन्या पूरे आयुष खन्ना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे रीति yes, समीर प्रज्वल yes, अब ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ अठारवा क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ करा दिया फार्मूला सब कुछ बता दिए अठारवा मुझे करके दिखाओ आप, आप। <laughs> यार करके दिखाओ यार ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ना फटा निकालो फटाफट अनिका <सथच्चाँगी करुणीगाया>

आ तो एक लाख आ रहा तो सेल्स आ रही है ना तो जीपी निकाल लेना तेरे को तो तो ले तो ले तो <laughs> बेटा फर्स्ट का बता रहे हैं है। बी अनन्या सोनो सेकंड का बताओ सेकंड का आ गया है आप पपनेजा बोल रही है जी सी है चेक करो तमीर वेरीफाई कर सी सही है ठीक है बेटा अनन्या दो वोटिंग मिल गई है तो तो थर्ड का थर्ड का डी आ रहा है तो फिर तो फोर्थ का बचा ही ए है फोर्थ का बचा ही ए है देविना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मे द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद यर ट्रीटमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग होती है आपकी तो क्या हो जाएगा डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल इनकम टैक्स भी क्या होती है आपकी ड्राइंग होती है डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिट टू कैपिटल बता अनन्या सारे के सारे इस चैप्टर में जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सब आ गई कि नहीं आ गई तो क्या आंसर बनेगा फर्स्ट का क्या बनेगा समीर फर्स्ट का सी सेकंड का भी सी थर्ड का बी और फोर्थ का ए चेक करो बेटा सी सी बी ए हो गया बेटा आयुष खन्ना जी यार एक बता यार एक तो कैम ऑनलाइन आते हो ऊपर से कैमरा भी नहीं ऑन करते हो तो आइए क्वेश्चन नंबर तो ट्वेंटी बिल्सिवल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट मैच्योर जब हम बिल डिस्काउंट करा लेते हैं और भी वो मैच्योर नहीं, नहीं होता यानी कि ड्यूडेट नहीं आई तो ये कंटीजन लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती फर्स्ट का है सी बी आर क्या होता है करंट एसेट्स ए आ गया अनन्या तो 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 उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ये क्वेश्चन देखो मैंने क्लास में करा रखा है थर्ड ऑफ था कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स ये ये जो सेल सेल प्राइस वैल्यू ऑफ़ ऑफ़ कॉस्ट की है। समीर यहां से फॉर्मुला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेट एक्सपेंसिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक या सनन्या आपका जो सीओजीएस आ गया वो कितना आ गया आठ लाख चालीस हजार तो समीर जो आठ लाख चालीस सोल्ड का है जितना आपने माल बेचना उसकी खुद की कॉस्ट है ये अब आपने इसमें से कितना माल बेचा है बेटा तो आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी यस और नो अब ये जो सेल है ये कितने पार्ट की है बेटा टू थर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड की है कि नहीं है ये कितनी है आपको छह लाख दस हजार है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्व तो टू थर्ड लेनी पड़ेगी तो वो कितना हो जाएगा आठ लाख चालीस हजार का दो बटा तीन निकाल लो जीपी कितना आ रहा है निकालो जीपी कितना आ रहा है, आ रहा है? नोट करो जाओ आप मेरे दो क्वेश्चन रह गए, दो क्वेश्चन करने के बाद ही वीडियो खत्म करूंगा मैं क्लास खत्म करूंगा हाँ आप ये नोट कर लो फोर्टी टू मिनट्स बाद देख लेना आप 42. निकालो जीपी कितना आ रहा है यस yes.

तो नेटवर्क चला गया होगा आपका चेक करके देख एक बार ठीक है ठीक है ठीक ठीक कॉपी कर लिया ये अब ये क्वेश्चन है बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए आप क्या कह रहे हो आयुष अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए so सवाल पढ़ लिया फोर्टीन ऑफ जुलाई को एक वारदात हो गई हमारे गडा में ठीक है दुर्घटना हो गई वारदात हो गई दुर्घटना तो नहीं कहेंगे नॉट एक्सीडेंट चोरी हो गई चोरी हो गई कि नहीं हो गई वो कहता है कि मुझे यह बताओ कि लॉस कितना हो गया मुझे यह निकालना है लॉ कि भाई चोरी का माल चोरी जो हुआ वो कितने माल की चोरी हो गई यस और नो समीर यस और नो अब हमें यह पता है कि चोरी के बाद हमारे पास कितने का माल बचा हुआ था अगर मुझे यह पता लग जाए कि चोरी से पहले कितना माल था और उसमें से मैं 12000 हजार माइनस कर दूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मेरे कितने माल की चोरी हो गई इसका मतलब क्या है कि मुझे 14 जुलाई की चौदह जुलाई का क्या चाहिए स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए अब यह बता अगर ये ओपनिंग है तो चौदह चौदह जुलाई का क्या हो जाएगा क्लोजिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें इसका कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड लेके अगर हम समीर कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड लेके हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं तो आपको फार्मूला पता है के दो फार्मूला लगाएंगे हम और हमें पता जीपी का रेट जो है थर्टी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है तो मैं पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फार्मूले हो गए हमारे पास मुझे सेल्स दे रखी है तो मेरा फार्मूला एक ये लगेगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल कितनी दे रखी चौदह जुलाई तक छह लाख और जीपी किसके ऊपर था बेटा तो थर्टी परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस वन एटी कितना आ गया ये फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड की कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ गई कि नहीं आ गई ये कॉस्ट ऑफ सोल्ड कौन सी डेट की निकाल रहे हैं बेटा हम चौदह जुलाई की क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कौन सी डेट का चाहिए चौदह जुलाई का अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ सोल्ड का दूसरा फार्मूला क्या होता है इधर देखो कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड का समीर दूसरा फार्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यही तो मुझे निकालना था अब ओपनिंग स्टॉक द्वितीय कितना था साठ हजार नेट परचेजेस कितनी थी परचेजेस आपको दे रखिये चार लाख दस हजार की और परचेज रिटर्न आपको दे नहीं रखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरें तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट का आएगा बेटा बताओ चौदह जुलाई का कितना आ रहा है अब समझ आ गया सवाल वहां नहीं हुआ था ना परसों सवाल सारे ताबड़ तोड़ है कि नहीं है हम्म बेटा कैलकुलेशन कर चार सत्तर कहां से आ जाएगा यार तो 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 अनन्या हां सर। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को पढ़ चौदह अच्छा जुलाई को हमारे गोडाउन में चोरी हो गई बेटा उसमें से कुछ स्टॉक चोरी हो गया हमारा सवाल यह है कि हमें यह बताना है कि कितने का माल चोरी हो गया हमें यह पता है कि चोरी के बाद हमारे पास बा, हम गए गोदाउन में तो चोरी वाले दिन जिस दिन चोरी उसके बाद पता लगा कि हमारा हमने देखा कि यार कितने का माल बचा है वो बारह हजार का बचा हुआ था और मुझे बताना है कि चोरी कितना हो गया अगर मैं चोरी से पहले का मुझे यह पता लग जाए कि चोरी से पहले मेरा स्टॉक कितने का था उसमें से जितना बचा है वो माइनस कर दो इसका मतलब बाकी का माल चोरी हो गया अनन्या यस और नो सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो अब आपको बेटा स्टॉक एक अप्रैल से दे रखा है परचेजेस चौदह जुलाई तक दे है सेल्स चौदह जुलाई तक देखिए स्टॉक अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स नीचे रिलेशन दिया हुआ है तो नॉर्मल रेट सेलिंग तो प्राइस अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड का फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस जीपी तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड आएगी ये कौन सी डेट की आएगी चौदह जुलाई की आएगी बेटा ये अनन्या अब नेट सेल कितनी थी चौदह जुलाई तक छह लाख रुपए की और yes नो no? yes, जीपी किसका थर्टी परसेंट सेलिंग प्राइस तो थर्टी परसेंट वन एटी चार लाख बीस हजार आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स गुडसोल्ड चौदह जुलाई को yes. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मुला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट पर डायरेक्ट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे मेन ये निकालना था नहीं क्लोजिंग स्टॉक चौदह जुलाई का कितना है तो यहां से मैंने कॉस्ट ऑफ गुडो मैंने कितना ले लिया था यहां पर चार लाख बीस हजार इजिकल टू लाख जमा चार लाख दस हजार जमा नील माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया अनन्या या सर नो yes, समीर यहां से क्लोजिंग स्टॉक तेरा कितना आया पचास हजार आएगा अनन्या यहां पर यानी कि चोरी होने से पहले पचास हजार का स्टॉक था चोरी होने के बाद ये बारह हजार का बचा इसका मतलब थर्टी थाउजेंड के स्टॉक की चोरी हो गई थर्टी एट तो कितना आएगा बेटा फिफ्टी थाउजेंड माइनस बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया कोई डाउट अनन्या नहीं। नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट टुडे क्लास ये तो तुम खुद अब देखो मैंने तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक का आइडिया दे दी अब इसको मुझे करके दिखा दो करके दिखाओ मुझे ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ अब मुझे ये अब क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है जीपी का दे रखा है आपको अब यहां पर एक बात रखना यहां पर अनंत अनन ने जीपी किसके ऊपर दे रखा है और 133 133 का मतलब क्या होता है 1/3 करके दिखाओ अब ये करूं आयुष खन्ना है आप कर लोगे ट्राई करो आप करो ये टोटल सेल दे रखी है आपको नेट सेल दे रखी है तो आप क्या करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी नेट सेल कितनी थी एक लाख रुपए प्रॉफिट क्या था इसको अगर एक्स मान लो तो एक्स बाई थ्री हो गया तो यहां से कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ गई कि नहीं आ गई दिखाओ कितना आ, क्या? कितना आ रहा है समीर कितना आ रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड चेक करो बेटा सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ रही है कॉस्ट ऑफ सोल्ड हाँ, नेट से एक लाख है था था था। आ रही है। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना और आपको फार्मूला पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया ट्वेंटी थाउजेंड पर सेवनटी थाउजेंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था नील क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो तो सर निकालना है और ये पचहत्तर हजार आप यहां पुट कर देंगे आप तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई नहीं लग गई कॉपी करो ये वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा आयुष खन्ना बताइए आज की क्लास का कोई डाउट हाँ जी बेटा आज की क्लास का कोई डाउट no. हो गया बेटा तो क्लास आज की यही ओवर करें बेटा no, परसों की क्लास में आपका टेस्ट है बेटा फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ठीक है थैंक यू सर बाय बेटा yeah, yeah. Bye,